इधर रूस ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। रूस ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान सरकार के समारोह में नहीं शामिल होने का बड़ा फैसला किया है। रूस ने तालिबान की ताजपोशी से खुद को किनारे कर लिया है। रूस ने पहले अगवानी का वादा किया था, लेकिन अब इससे मुकर गया है। क्रेमलिन स्थित रूस राष्ट्रपति भवन ने तालिबान के समारोह में नहीं शामिल होने की जानकारी दी, लेकिन अफगान वार्ता के लिए रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने कहा कि वह इसमें शामिल होंगे। हालांकि अब साफ हो गया है कि तालिबान सरकार में कई खूंखार आतंकियों की मौजूदगी देखकर रूस ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। तालिबान ने अपनी सरकार के शपथ ग्रहण में गिने चुने देशों को ही आमंत्रित किया था, इसमें एक देश रूस भी था। संयुक्त राष्ट्र में अफगानी राजदूत ने तालिबान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अफगानी राजदूत ने यूनाइटेड नेशन से तालिबान को मान्यता नहीं देने की अपील भी की है। तालिबान सरकार के खिलाफ दुनिया भर में तैनात अफगानी राजदूतों ने बिगुल फूंक दिया है। अब दुनिया के सबसे बड़े मंच से अफगानी राजदूत ने तालिबान को मान्यता नहीं देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानी प्रतिनिधि गुलाम इसकजाई ने ये गुहार लगाई है। गुलाम इसकजाई ने अपने बयान में पंजशीर का हवाला दिया। इसकजाई ने कहा कि हमने पंजशीर में तालिबानी आतंक को देखा और ये भी देखा कि किस तरह वहाँ विदेशी आतंकियों और खुफिया आकाओं की मदद से दमन किया गया है। साथ ही गुलाम इसकजाई ने काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती का जिक्र किया। इसके अलावा पत्रकारों पर हुए जुल्म का मुद्दा भी उठाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।